ये आप देखिए किस तरीके का पापड़ बन के निकला है, और ये पापड़ जो है ये आपको सूखा है या नहीं है वो इस तरीके से पता चलेगा। ये देखिए आटा जो है वो कभी भी चूरा नहीं होता, लेकिन ये देखिए ये पापड़ है, फुल्ली ऑटोमेटिक, अकेला बंदा पूरा काम कर सकता है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ लाइव ये मशीन कैसे काम करती है और पापड़ कैसे तैयार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास में पापड़ का आटा है, आप उड़द का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, उड़द प्लस मैदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको क्वालिटी रखना है। ये जो आप देख रहे हैं ये रोलर है जिसके अंदर से आपका पापड़ का जितना पतला आपको आटा चाहिए उतना पतला आपको निकल करके मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये एडजस्टमेंट के लिए है, जितना पतला आपको चाहिए उतना पतला आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप देखेंगे हमारा आटा जो है यहाँ से बढ़ करके यहाँ आ रहा है, और ये जो है ये हमारी डाई है, यहाँ पर आप अलग अलग शेप के डाई लगा सकते हो, जिस शेप का आपको और जिस साइज का पापड़ आपको तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं आटा किस तरीके से आ रहा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा वेस्ट जो होता है कटिंग के बाद में जो वेस्ट बचता है वो आटा जमा करने के लिए ट्रे और रोलर है। अभी आप देखोगे एकदम बेस्ट पूरा कंप्लीट राउंड साइज का, और एक ही थिकनेस भी इसकी कम ज़्यादा नहीं होगी, शेप भी इसका कम ज़्यादा नहीं होगा, आप देखोगे कि पापड़ यहाँ पर निकल रहा है। ये आप देखिए दोस्तों ये किस तरीके से हमारा पापड़ बन करके रेडी हुआ है, ये देखिए, और ये बिल्कुल राउंड पापड़ है। और इसी तरीके से आप देख सकते हो आपको हर पापड़ इसी शेप का, इसी साइज का और इसी थिकनेस का मिलेगा, यानी कि अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो ब्रांड में क्वालिटी बिल्कुल सेम रहेगी। और पापड़ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं, तो ये प्रोडक्ट हर जगह पर चलेगा, चाहे आप यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र कर्नाटक से हो, हर जगह पापड़ चलता ही है। अभी आप यहाँ पर देखिए ये हमारा हीटर है, और ये जो है इसका हीटर का कंट्रोल पैनल है जिसके ऊपर आप हीट स्पीड ऑन ऑफ इंडिकेटर आपको वोल्टेज जैसी सारी चीज़ें इस पैनल के ऊपर मिल जाएगी, कंप्लीट पैनल है। और इससे जब आप कंट्रोल करोगे तो ये पूरे पापड़ आप देख रहे हो लाइन बाई लाइन अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद में ये जो अंदर जो बेल्ट लगे हुए हैं इन बेल्ट के ऊपर वो पापड़ घूमेगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये हीट चेंबर है, ये हीट चेंबर की मदद से वो गर्म होगा और सूख जाएगा। तो 2 मिनट हम इंतज़ार करते हैं कि पापड़ जो है वो पूरे बेल्ट के ऊपर से घूम करके पापड़ की उस क्वालिटी में बनता है। यहाँ आप पीछे से आकर के देखिए तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कन्वेयर बेल्ट से पापड़ आता है और यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं पापड़ आ रहा है, अब मैं कितना सूखा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये हमारा एक पापड़ है जो तैयार होकर के निकला है। अभी आप फर्क खुद बता सकते हैं जो हमने पापड़ डाला था, जो आटा डाला था, और ये किस तरीके से पापड़ हमारा बन गया है। ये आप देखिए किस तरीके का पापड़ बन के निकला है, और ये पापड़ जो है ये आपको सूखा है या नहीं है वो इस तरीके से पता चलेगा। ये देखिए आटा जो है वो कभी भी चूरा नहीं होता, लेकिन ये देखिए ये पापड़ है, और ये इसी तरीके से क्वालिटी में आपको यहाँ पर पापड़ बन करके मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके के पापड़ मिलेंगे आपको, और आपको जो क्वालिटी रखना है आप वो रख सकते हो।